थन से दूध बहाने लग गईया, यमुना नदी तो लगे दूध। बेहद खूबसूरत है गाय और डील भी बड़ी शानदार है। डील ये है कि इस गाय के लिए सिर्फ 30,000 रुपये 30,000 रुपीज प्राइस डिमांड की गई है। और स्पेशल ये है कि इस गाय ने एक सुंदर फीमेल का बछड़ी को जन्म दिया है। आपको इस गाय की मिल्किंग वीडियो दिखाऊंगा, आप अंत तक वीडियो को जरूर से देखिएगा। अंत तक वीडियो को देखेंगे तो पूरी मिल्किंग भी इंजॉय कर पाएंगे। साथ ही गाय के बारे में कंप्लीट डिटेल, ओनर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सभी जानकारियाँ इसी वीडियो में शेयर करूँगा। अंत तक वीडियो जरूर देखिए। एक खाली बाल्टी देख सकते हैं, चारों थनों की धार भी आपको अलग अलग चेक करवाते हैं। चारों थनों की धार आप अलग अलग देख सकते हैं। सुंदर कीपनुमा थन है, काफ़ी शानदार नरम और मोटी धार है। साथ ही साथ दूध निकालने में भी आसानी रहने वाली है, क्योंकि थनों का साइज शेप मुट्ठी में आकर दूध निकालने लायक है। ऐसे साइज के थनों से जल्दी दूध और आसानी से निकल जाता है। गाय ने एक सुंदर बड़ी सुंदर फीमेल काफ को जन्म दिया है। अच्छी हाइट और लेंथ लिए हुए, गाय भी अच्छी हाइट लेंथ की है, साथ ही बछड़ी भी बड़ी प्यारी अच्छी हाइट लेंथ लिए हुए है। मिल्किंग वीडियो आप देख पा रहे हैं, अंत तक वीडियो को देखिए। सेकेंड लैक्टेशन में गाय अपने दूसरे ब्यांत के अंदर है और ब्याए हुए 2 दिन हुए हैं। आज तीसरे दिन आप मिल्किंग देख पा रहे हैं। मिल्किंग में जो दूध निकाला जाता है, शुरुआती 5 से 7 दिन तक गाय खीस देती है। खीस यानी कि कोलोस्ट्रम, वह जितना अधिक मात्रा में आप काफ को पिलाएंगे उतना ही लाभदायक रहता है। अधिक का मेरा मानना यह है कि वजन का 10% तक दूध जरूर से पिलाया जाना चाहिए। यानी कि अगर काफ का वजन 20 किलो से अधिक है तो 2 लीटर से अधिक दूध उसे जरूर से पिलाया जाना चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखें। मिल्किंग कंप्लीट हो चुकी है, खाली बाल्टी देख सकते हैं, आप लीटर से दूध नापकर दिखाया जा रहा है, काउंटिंग कर सकते हैं। इस गाय को यदि आप खरीदने के इच्छुक हैं तो महादेव डेयरी फार्म के ओनर जीतू चौहान जी से इस गाय के बारे में संपर्क किया जा सकता है। विलेज 16Z डिस्ट्रिक्ट श्रीगंगानगर राजस्थान के रहने वाले हैं जीतू चौहान जी। इनके मोबाइल नंबर 8290570305। इन मोबाइल नंबर पर संपर्क करके संपूर्ण जानकारी ले लें। खुद यहाँ विजिट कर 2 समय 3 समय की मिल्किंग अपने हाथ से कर देखें। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ विजिट करने में असमर्थ हैं तो इस बात का भी खास ख्याल रखें कि मिल्किंग वीडियो 2 समय की जरूर से डिमांड कर लें। अगर खुद मिल्किंग अपने हाथ से नहीं कर देख पा रहे हैं तो वीडियो कॉल करके मिल्किंग जरूर से देखनी, जांचनी, परखनी चाहिए। गाय का स्वभाव बड़ा ही ठंडा और सरल है। सुंदर शारीरिक बनावट तो है ही, साथ ही देसी गोवंश A2 क्वालिटी मिल्क वाली है, राठी नस्ल है। बछड़ी काफ़ी सुंदर आई है। थनों की साइज शेप के साथ अडर भी काफ़ी अच्छा, टाइट और कॉम्पैक्ट अडर है। कैसी लगी गाय और कैसी लगी डील, कमेंट में बताएँ। धन्यवाद दोस्तों।